चित्रकूट में राष्ट्रीय रामायण मेला की शुरुआत हो गई है। इसका शुभारंभ गोवर्धन पीठाधीश्वर अधोक्षानंद जगतगुरु शंकराचार्य एवं हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजूदास जी ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर धर्मनगरी के सभी अखाड़ों के महंत एवं बड़ी संख्या में साधु संत व लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य अधोक्षानंद महाराज ने कहा कि हमने 18 देशों की यात्रा प्रारंभ कर दी है। वहां पर धार्मिक सांस्कृतिक बीजों को गाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के सचिव करुणा शंकर द्विवेदी ने बताया कि रामायण मेले में प्रतिदिन देश के विभिन्न प्रांतों से आए विद्वानों के द्वारा राम और रामायण के मूल्यों की आज के युग में प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम ने सारे भेदभाव को खत्म करके मानवता का स्थापित किया परमात्मा ने, आज रामायण मेला के साथ 50 वर्ष पूरे होकर 51वां रामायण मेला, इस राष्ट्रीय रामायण मेला का उद्घाटन में धर्म नगरी अयोध्या से आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उद्देश्य थे आनंद दृष्टिबोध का संचार और हिंदुस्तानी को बढ़ावा, दूसरे शब्दों में भारत का पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण। इस रामायण मेले में देश भर से रामकथा के मर्मज्ञ मनीषी आए हुए हैं, प्रख्यात कथावास व्यास आए हुए हैं और सांस्कृतिक दल और कलाकार आए हुए हैं। अयोध्या भारत के 18 देशों की यात्रा प्रारंभ कर दी गई है। वहां पर धार्मिक सांस्कृतिक बीजों को उगाया जा रहा है और भारत की संसद में अखंड भारत का नक्शा देकर हमारे राजनीतिज्ञ ने, हमारे शासक ने कह दिया है कि बहुत जल्दी राजनीतिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भारत अखंड होगा।